हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.5 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। अब पैरेललोग्राम OKAY, वेयर OK की लेंथ गिवन है 5.5 सेंटीमीटर एंड KA की लेंथ गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम तैयार करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि हमसे एक पैरेललोग्राम कहा गया बनाने के लिए, तो हम रफली एक पैरेललोग्राम का ही डायग्राम तैयार कर लेते हैं और इसका नेमिंग हम करेंगे OKAY। और इसमें से OK की मेजरमेंट कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर, और KA कितना गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पर जो OK साइड है वो इस ऑपोजिट साइड YK के इक्वल होगी। तो अगर ये OK साइड अगर 5.5 सेंटीमीटर थी तो YA साइड भी 5.5 सेंटीमीटर ही होगी, और AK साइड कितनी है, 4.2, तो इसकी अपोजिट साइड ये है। तो ये OY साइड भी कितनी आ गई, 4.2 सेंटीमीटर। ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल और ये दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल, लेकिन यहाँ पर हमें कोई एंगल गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ ये दो साइड्स गिवन थी। और पैरेललोग्राम बनाना है तो हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जब कोई एंगल आपको गिवन ना हो, और आपको मान लीजिए कि ऐसा ही क्वेश्चन बनाने के लिए आ गया और कोई एंगल गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एक एंगल हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। आप ये कैसा भी एंगल बना सकते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 60 डिग्री का लेते हैं। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बनाना बहुत इजी होता है, उससे आपको कंस्ट्रक्शन करना आसान हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन जो पैरेललोग्राम की होती है जिसमें एंगल गिवन नहीं है, ये किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी OK साइड जो हमें गिवन थी 5.5 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम इस OK साइड को ही यहां पर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर पहला लाइन सेगमेंट हम लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, और इससे हमें कौन सी लाइन सेगमेंट मिलेगी, OK। ये हमने कितना ले लिया है, 5.5 सेंटीमीटर, और इसको यहां पर हम नाम दे देते हैं OK, और इसकी मेजरमेंट भी यहां पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम 60 डिग्री का एंगल तैयार करते हैं, या तो हम O पॉइंट पे 60 डिग्री बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, और अगर K पॉइंट पे बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। तो हम K पॉइंट पे यहाँ पे 60 डिग्री बना रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कंपास खोलिए जितना आप खोलना चाहते हैं, और यहाँ पर ये आर्क लगा दीजिए, तो ये एक सेमी सर्कल बन जाएगा यहाँ पर ये आर्क से। अब क्योंकि हम लाइन के राइट में एंगल बना रहे हैं, तो जो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे कंपास रख के जो पहला आर्क हम लगाएंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट की तरफ से, ये 60 डिग्री होगा। तो हम इस पॉइंट K को इस एंगल से जो 60 डिग्री हमने बनाया है इससे ज्वाइन करते हैं, और यहां से एक रे तैयार करेंगे, ठीक है। ये एक रे तैयार हो गई, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। अब इसके बाद OK तो हमारे पास है, K के साथ यहाँ क्या आएगा, A। देखिए OKAY ऐसे बनेगा ये पैरेललोग्राम, तो K के साथ ही आएगा, और KA की मेजरमेंट कितनी गिवन थी, 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हम 4.2 सेंटीमीटर की यहां पर कंपास ओपन करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर, और यहां पर K पे रखकर इस आर्क को जो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था उससे जो आर्क बनी थी उसको यहां पर काट देते हैं। हमें यहां पर ये पॉइंट मिल गया स्टूडेंट्स A, और ये मेजरमेंट कितनी है KA की, वो हम यहां लिख देते हैं 4.2 सेंटीमीटर। ये 4.2 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट आ गई। अब देखिए OK हमें मिला हुआ है, KA हमने बना दिया। अब जो OK है वही उसकी अपोजिट साइड भी होगी। OK कितना था, 5.5 सेंटीमीटर, तो हम 5.5 सेंटीमीटर फिर से मेजरमेंट लेते हैं, और ये 5.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके यहां A पे रखेंगे। देखिए अब हमें कौन सी साइड मिलने वाली है, AY साइड, तो यहां से A पे रखा, और जो AY है स्टूडेंट्स वो किसके पैरेलल रहेगी, इस लाइन के पैरेलल। देख लीजिए AY OK के पैरेलल होगी, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इसीलिए जो मेजरमेंट इस OK की थी 5.5 सेंटीमीटर वही हमने यहां से लगाई है आर्क। हमने 5.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेकर ये आर्क लगाई।
अब यहां पर हमें पॉइंट मिलेगा वाई। कैसे? देखिए ए के या के तो हमें यहां पहले गिवन था 4.2 सेंटीमीटर, तो इसकी अपोजिट साइड भी 4.2 सेंटीमीटर होगी। अब जो दूसरी आर्क जो इसको काटेगी वो यहां से मिलेगी, तो ये मेजरमेंट 4.2 है, तो इसके अपोजिट के लिए ये मेजरमेंट भी 4.2 सेंटीमीटर ही हमें लेनी है। तो यहां पर अब हम 4.2 सेंटीमीटर की ये मेजरमेंट लेते हैं, 4.2 ओ पे रखते हैं और यहां पर आर्क लगाते हैं जिससे कि पुरानी आर्क ये कट जाएगी। अब देखिए ये हमें जो पॉइंट मिल गया है यहां पर, ये स्टूडेंट्स वाई पॉइंट है, ठीक है। अब हमें चारों पॉइंट्स मिल चुके हैं, ओ के ए वाई। अब हम इस ओ को इस वाई पॉइंट से यहां पर ज्वाइन कर देंगे। ये हमें कौन सी लेंथ मिल गई, ओ वाई की लेंथ, ठीक है। और इस वाई को इस ए से यहां पर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें हमारा जो पैरेललोग्राम था, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ओ के ए वाई, वो मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर ओ के और ए वाई ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ये 5.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, के 4.2 है तो यहां से ओ वाई भी 4.2 सेंटीमीटर है। तो ये एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हमने कितना डिग्री बनाया था, 60 डिग्री। तो के का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, वाई। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि मेजरमेंट सारी ओके है, ये पैरेललोग्राम एकदम एक्यूरेटली बना है, तो आप यहां पर इस तरीके से ये डी रख के अगर आप इसकी मेजरमेंट लेंगे इस एंगल की, तो स्टूडेंट्स ये भी आपको यहां पर 60 डिग्री ही मिलेगी। ये इस तरीके से यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये जो आपको यहां पर ये जो लेंथ आ रही है ये, और ये जो ये एंगल मिलेगा ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री ही मिलेगा। तो आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम था स्टूडेंट्स ओ के ए वाई, वो अब हमें मिल चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।